हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 21 नवंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सावां स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 59वां। अभी रिसेंटली आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 जारी हुई है और इसमें भारत को 59वां स्थान दिया गया है। ये जो रैंकिंग है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है, यानी कि आईएमडी के द्वारा जारी की गई है। आईएमडी का फुल फॉर्म यही होता है, तो यहाँ पर से इस हिसाब याद रख सकते हैं। और इस बार इसमें टोटल 63 देशों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें से भारत को पिछले साल के मुकाबले 6 अंक का नुकसान हुआ है और भारत 59वें स्थान पे पहुँच गया है, यानी कि 63 में से 59वें स्थान जो है आईएमटी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में वो भारत का है। इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे इसमें डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे स्वीडन है। अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो 63वें स्थान के साथ मंगोलिया इसमें लास्ट में स्थान पे है, 62वें स्थान पे वेंजुएला है और 61वें स्थान पे इसमें ब्राज़ील है। तो यहाँ पर जो चार के चार मैंने लिखे हैं पॉइंट, चार के चार याद रखिएगा। अगर आप आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल लिखा है वहाँ पर, तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट में आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स मिल जाती है, यूट्यूब से भी पहले, तो आप लोग वेबसाइट पर डेली जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। आईएमडी की बात करते हैं तो आईएमडी की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है सर डेविड एटनबरो को, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। एटनबरो जो है वो प्रसिद्ध प्रगतिवादी और प्रसारक हैं और इनसे पहले जो है ये काफ़ी जो है इनको अवार्ड मिल चुके हैं, इनको नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये बीबीसी के साथ जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़े रहे। तो जो प्रकृति के लिए जिस तरीके से इन्होंने काम किया है उसके लिए जो है इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार है, इसमें पुरस्कार के तौर पर 25 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं और साथ में एक ट्रॉफी भी दी जाती है। तो इस बार 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है सर डेविड एटनबरो को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 20 नवंबर को। हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अफ्रीका की औद्योगिकरण समस्याओं पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। वर्ष 2019 के लिए इसका विषय रखा गया था पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द AFCFTA। इसका फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया मार्केट। ये जो है इसका यहाँ पर थीम रखा गया है वर्ष 2019 के लिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इस थीम को जरूर याद रखिएगा। AFCFTA का फुल फॉर्म मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो अभी रिसेंटली दुबई में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये इनको इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड्स में दिया गया था। आप सभी लोग बजरंग पुनिया के बारे में जानते होंगे, बहुत से मेडल इन्होंने जीते हैं, भारत के प्रसिद्ध पहलवान हैं। इसके अलावा भारत के पावर लिफ्टर हैं जिनका नाम है महंत गौरव शर्मा, इनको विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो दो लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली दुबई में जो है इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है। यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है यहाँ की यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं यूएई, तो ये देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ पर आपको दिल्ली दिख रहा होगा, ये मुंबई है। तो ये देखिए ये जो पड़ता है यहाँ पर ये है यूएई। अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो अबू धाबी इसकी राजधानी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही संगठन हैनियो ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी कि HNLC पर प्रतिबंध लगाया है। सो अभी रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा मेघालय के एक विद्रोही संगठन HNLC पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि अब किसी भी तरीके की जैसे कि बैठकें या फिर कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो अब जो है ये संगठन नहीं कर सकता। इस संगठन के जो पदाधिकारी हैं अगर वो इस तरीके के कोई काम करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बेसिकली कई टाइम से जो है इसके कई हिंसक और धन उगाही के मामले में जो है इस संगठन का नाम सामने आया था, और इसी वजह से जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये जो संगठन है ये है कौन से राज्य से ये जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी शाखाएं अन्य राज्यों में भी हैं लेकिन मुख्यतः जो ये काम करता है ये मेघालय से ही करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि नवंबर 2019 में भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहार का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला यानी कि दोहा में। अभी रिसेंटली भारत और कतर के बीच में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुआ है, और 17 नवंबर से 21 नवंबर तक इस नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इस युद्धाभ्यास के बारे में मैंने और ज़्यादा डिटेल में लिखा है वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। कतर की बात कर लेते हैं तो कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा है यहाँ की कतरी रियाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IRCTC ने लग्जरी गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार प्रसार के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है यानी कि कर्नाटक। अभी रिसेंटली IRCTC ने लग्जरी गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार प्रसार के लिए कर्नाटक के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। ये जो ट्रेन है इसका संचालन मार्च 2020 से किया जाएगा। इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेन को पिछले 10 सालों से कर्नाटक सरकार का उपक्रम कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चला रहा था, और ये जब से पिछले 10 साल से लगातार घाटे में ही थी, तो इसलिए जो है इसको पेशेवर तरीके से चलाने के लिए कर्नाटक सरकार ने IRCTC के साथ समझौता किया है। तो अब इस ट्रेन का देखरेख और इस ट्रेन का जो संचालन है वो IRCTC के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2020 में इसका संचालन शुरू होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से ये जो ट्रेन है ये कर्नाटक के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर घुमाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुल्हनों को मुफ्त 1 तोला सोना देने वाली योजना अरुंधति योजना को मंजूरी प्रदान की है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है यानी कि असम। अरुंधति योजना के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था, तो अब इस योजना को जो असम कैबिनेट है उसने मंजूरी प्रदान कर दी है, और 1 तोला जो है सोना दिया जाएगा जो भी दुल्हन होंगी। खास करके बेसिकली ये जो योजना है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की लड़कियों के लिए है, तो इसमें कुछ जो है जो भी सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए होंगे उसके तहत जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अंतर्गत आएगा उन लड़कियों को शादी के वक्त जो है सरकार की तरफ से 1 तोला सोना दिया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, इस योजना का नाम है अरुंधति योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है यानी कि तमिलनाडु। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इसके द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, समझिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी मत करिए, और उसके बाद अपना आंसर दीजिए कि आपसे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं, या फिर आपसे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं से होने वाली मौतें किस राज्य में होती हैं। तो अगर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में पिछले साल 2000 मतलब पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें 2018 की, तो 2017 से तुलना कर रहे हैं इसमें,
तो 2018 में जो है 2017 की तुलना में 0.33% की कमी देखने को मिली है सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में। मतलब दुर्घटनाएं तो होती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ी भी हैं, लेकिन घायलों की जो संख्या है वो कम हुई है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में 17 के मुकाबले 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.46% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब सड़क दुर्घटनाएं तो ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं से जो है लोग कम जो है मतलब उनको घायल हो रहे हैं। ठीक है, इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में भी 2.37% की वृद्धि देखने को मिली है 2017 की तुलना में 2018 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, तीन पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इग्नोर मत करिएगा। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता तो हो सकता है 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपोर्ट काफ़ी लंबी रिपोर्ट है ये, इसके बारे में आर्टिकल लिखूंगा मैं डिटेल से, उसके बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर करूँगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कि विश्व बाल दिवस यानी कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 20 नवंबर को। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में बाल कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना और बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 का खिताब जीता गया है। सो अभी रिसेंटली ब्राज़ील ने मेक्सिको को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में किया गया था। इससे पहले ब्राज़ील ने 3 बार ये खिताब जीता है, 1997 में, 1999 में और सन 2003 में, और इस बार जो है 2019 में एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम कर लिया है ब्राज़ील ने। ठीक है, तो 4 बार ब्राज़ील ने फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप जीता है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि नवंबर 2019 में भारत ने दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 9 पदक जीते थे। क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 9 मेडल जीते थे भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2019 में, जिनका आयोजन दुबई में किया गया था। 2 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था, जिसमें आपको बताना था कि कृषि सांख्यिकी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस जगह पर किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि नई दिल्ली में 18 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जो कि कृषि सांख्यिकी पर आधारित था। इसके बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको ऐसे ही नहीं देता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के मुझे जवाब दें। कई लोग जो है आंसर नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको आंसर करना चाहिए। पूरी वीडियो देखते हैं तो 2 मिनट का 2 सेकेंड में लिखने में आपको क्या जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए एक यूनिट गठित की है। अभी रिसेंटली ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए एक यूनिट गठित की गई है, किसके द्वारा, कि गूगल, फेसबुक, सीबीआई या आईबीएम, जो भी आपको सही लगे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग को कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी इस वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में कंटेंट मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।